अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ योग कर गंगा जी में डुबकी लगाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व परमार्थ निकेतन के मुनि महाराज चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग से मन के अंदर नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित होता है, जिससे मनुष्य एक निष्ठ, एकाग्र व स्थिर होता है। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और तनाव मुक्त स्वस्थ होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। योग के प्रयोग एवं संतुलित जीवन शैली से ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही आज योग को पूरी दुनिया में अलग पहचान मिली है। वहीं उन्होंने आमजन से योग के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने की अपील की। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और हमारे ऋषिकेश के अंदर अनेक स्थानों पर योग हो भी रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और ये विश्व के पटल पे यदि कहीं पहुंचा तो माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से, उनके सारे जिस प्रकार से यूएनओ में ये उनके द्वारा लाया गया। और मैं कह सकता हूं कि आज हम लोग हर स्थान पे योग कर रहे हैं। गंगा प्रभावित हुई है, इसके साथ साथ पर्यावरण की गंगा भी प्रभावित होनी चाहिए, क्योंकि देखिए गंगा का जल था, सुंदरता थी, इतना अच्छा लगा। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे पर्यावरण को बचा के रखना है, जल को बचा के रखना है, तो हमें पेड़ों को लगाना होगा, जल को शुद्ध रखना होगा और साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना होगा।